नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई एल सीरम के बारे में। हम इसे सीरम एनगुला भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दवाई कहां काम आती है, किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में पेशेंट को दी जाती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, वैसे तो एल सीरम का काफ़ी सारी पोटेंसीज में यूज़ किया जाता है। ख़ासतौर पर ये दवाई मदर टिंचर में सरदार रहती है। 7x पोटेंसी में या 6CH पोटेंसी में भी इसे हम यूज़ करते हैं। इसका काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका किडनी फेलियर के पेशेंट में किया जाता है, ख़ासतौर पर एक्यूट किडनी फेलियर में। ये दवाई ख़ासतौर पर तब पेशेंट को दी जाती है जब किडनी फेलियर में पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता रहता है। पेशेंट के क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करती है, यूरिया को कंट्रोल करती है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन की मात्रा अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हो तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है। गुर्दे में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन आ जाए, अचानक से कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो उसको ठीक करने में काफ़ी मददगार रहती है। इसके अलावा ये पूरे यूरिनरी सिस्टम पर एक्ट करती है, जहाँ पेशेंट का अगर यूरिन कम आ रहा है तो उसको कंट्रोल करती है, यानी पेशेंट के यूरिन को बाहर निकालने में मददगार रहती है। इन लोगों के यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई हो, प्रोटीन यूरिन से निकल रहा हो तो वहाँ असरदार रहती है। गुर्दे में अगर पेशेंट को पथरी हो या फिर सिस्ट देखने को मिलती हो, यानी पेशेंट को किडनी स्टोन हो या किडनी सिस्ट हो, दोनों में असरदार रहती है। गुर्दे के लिए ये दवाई विशेषकर पेशेंट को दी जाती है। ये दवाई किडनी अफेक्शन में तो पेशेंट को दी जाती है, हार्ट अफेक्शन में भी ये दवाई असरदार रहती है। जिन लोगों में दिल की बीमारी के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस सही से पेशेंट नहीं ले पाता है, उसमें भी ये दवाई बहुत असरदार होती है। दवाई नेफ्राइटिस में भी दी जाती है। नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारे गुर्दे में, उसमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाए जिसके कारण पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है या फिर कम मात्रा में हो रहा है, तो नेफ्राइटिस के ऐसे पेशेंट में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। गुर्दे में कोई भी परेशानी आए, अचानक ठंड लगने से, एक्सपोजर टू कोल्ड या फिर इन्फेक्शन होने से पेशेंट को गुर्दे में कोई भी परेशानी अचानक आ जाए, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत मददगार रहती है। ये दवाई एडिमा में भी दी जाती है। एडिमा जब आता है, जब पेशेंट के यूरिन पास न होने के कारण वो जो फ्लूइड होता है वो शरीर पर कहीं भी भरना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में सूजन आ जाती है, खासतौर पर आँखों में, हाथों में, पैरों में पेशेंट को ये सूजन आती है। ऐसे में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है, सूजन कम होती है, यूरिन पास करने में पेशेंट को मदद मिलती है, यूरिन को बाहर निकालने में बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। साथ ही जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी बाहर निकालने में मददगार रहती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करती है, यूरिया लेवल को कंट्रोल करती है। दोस्तों, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं और इनमें से आपको कोई भी परेशानी है, लंबे टाइम से आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं या अचानक आपको ये बीमारी आ गई है, तो डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। डॉक्टर की निगरानी में ही इलाज लेना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से कोई दवाई न लें, ना ही किसी पेशेंट को दें। दोस्तों, इस दवाई की डोज पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्या कंडीशन है, क्या बीमारी है, इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें, खुद से ये दवाई न खाएं। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। थैंक यू।